पहले आपकी आवाज आ रही है, आप जा सकते हैं। आवाज आ रही है? यस मैम। जी मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। कोई रिस्पांस करे तो। पार्टिसिपेंट्स करते हैं, रिस्पांस नहीं आ रहा। उस साल में मैंने सुबह छोड़ी है, वहां तो बात आती है, इसमें पहले भी पढ़ा है। मिसा के पूछे ना, कोई आवाज आ रही है? चलो कोई पे रिस्पांस दे। जी मैम। आवाज आ रही है मैम।
ग्रुप में लिख रही हूं। आप पूछे मेरे साथ को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जो नया टॉपिक है ये है एस्ट्रोजेंस और एंड्रोजेंस। ऑल्दो इट्स नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल, क्योंकि मुझे लगा कि एक्चुअली डायबिटीज में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि आपने एड्रिनल ग्लैंड्स के शुरू किए हुए थे हार्मोन, जिसमें कॉर्टिसोल पड़ा था, एंड्रोस्ट्रॉन पड़ा था, और अब ये एस्ट्रोजन सेक्स हारमोन्स हैं, तो ये जो है इस पर आपको तो ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि ये कहाँ इनके थेरापेटिक यूजेस हैं। एस्ट्रोजन लेवल्स जब कम हो जाते हैं या एस्ट्रोजन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स, उनमें दिया जाता है एज ए जो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर दिया जाता है। एंड्रोजेंस में ये टेस्ट्रॉन वगैरह आते हैं जो अगर नॉर्मली ये प्रोड्यूस नहीं हो रहे मेल्स के अंदर, तो ये टेस्ट्रॉन वगैरह सिंथेटिकली प्रिपेयर करके देते हैं। सेक्स हार्मोन्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय द गोनेड्स, यानी कि मेल ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टीज और ओवरीज। सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गोनेड्स आर नेसेसरी फॉर कंसेप्शन, फर्टिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, एम्ब्रियोनिक मैच्योरेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एट प्यूबर्टी, ग्रोथ ऑफ हेयर वगैरह जो होते हैं वो सब इनकी वजह से होती है। देयर एक्टिविटी इन टारगेट सेल इज मॉड्यूलेटेड बाय रिसेप्टर्स, हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, और फिर उसी तरह जो सारा जैसे थायराइड हार्मोन बाइंड कर रहा था, जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन वगैरह बाइंड करते हैं अपने रिसेप्टर के साथ जाकर, उसी तरह ये हार्मोन जो है जाकर गोनेडोट्रोफिन जो है हाइपोथैलेमस वो रिलीज करेगा, पिट्यूटरी को सिग्नल्स जाएंगे, पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, और फिर उसके बाद वो ऑर्गन्स के ऊपर जाएंगे, वहां से एस्ट्रोजन टेस्ट्रॉन वगैरह रिलीज होंगे। द गोनेडल हार्मोन्स आर यूज्ड थेरेप्यूटिकली इन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कॉन्ट्रासेप्शन, ये जो हार्मोन्स हम तब भी यूज करते हैं जब बर्थ कंट्रोल को रोकना होता है, एस्ट्रोजन तब भी यूज किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स, जब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है उनके अंदर वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, वेजाइनल एट्रोफी हो जाती है, उन पेशेंट्स के अंदर जो है रेडनेस, हॉट फ्लैशेस वगैरह, उनमें ये फिर ये यूज करते हैं, और ज्यादातर जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, एस्ट्रोजन लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं, तो हम सिंथेटिकली एस्ट्रोजन प्रिपेयर करते हैं और उनको बॉडी में डालते हैं।
sex hormones several antagonists are effective in cancer chemotherapy. अब जो estrogens होते हैं वो हम birth control pills वगैरह पे estrogens होते हैं synthetically prepared. वो हमारे जो है बर्थ कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन उसके साथ वो बहुत ज्यादा ये जो होती है इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस वगैरह जो होती है कंट्रोल बर्थ कंट्रोल को रोकने के लिए, तो वो कैंसर कार्सिनोजेनिक होती है. कैंसर बहुत बड़ा रोल है उनका कैंसर में, कैंसर कॉज करने में, स्पेशली जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस रखी हुई होती है फीमेल्स ने बर्थ कंट्रोल के लिए, वो ब्रेस्ट कैंसर ओवरीज का कैंसर करती है और फिर वो ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज्यादा रोल है. तो हर जो भी डिवाइस ले रहे हैं या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं उनका एक टेन्योर होता है, उसके बाद वो रिप्लेस करनी होती है या तो नई डिवाइस रखनी होती है ताकि इन्फेक्शन ना हो, और रेगुलर उनका चेकअप होना चाहिए. रेगुलरली आप जो है वो जिसे गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और उसको उससे जो है वो रिप्लेस करवा लेनी चाहिए, और अगर कोई उसमें इन्फेक्शन हो गया तो उसको रिमूव करवा देनी चाहिए. सेवरल एंटागोनिस्ट्स आर इफेक्टिव. अब इन सेक्स हार्मोन्स के जो एंटागोनाइजिंग जिनका इफेक्ट होगा, जो एंटागोनिस्ट होंगे इनके, वो कैंसर कीमोथेरेपी में यूज होंगे. ऑल गोनेडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द प्रिकर्सर. कोलेस्ट्रॉल बेसिक प्रिकर्सर है जो कि जिससे ये हार्मोन्स बनते हैं. कोलेस्ट्रॉल इसका मेजर प्रिकर्सर है. अगर शुरू में याद हो एक फ्लो चार्ट सा भी दिखाया था जिसमें कोलेस्ट्रॉल था और एट द एंड पर जो है वो सारे हार्मोन्स एंड्रोजेंस वगैरह प्रोड्यूस हो रहे थे. किसी को याद है वो फ्लो चार्ट सा था एक पिछली वाले लेक्चर में वो है. हाइड्रो ऑक्सीलेशन ऑफ द स्टेरॉइड न्यूक्लियस रिसेप्टर्स, इसके न्यूक्लियस के अंदर जाकर ये अपना काम रिसेप्टर से बाइंड करता है. एरोमेटाइजेशन इज द लास्ट स्टेप इन एस्ट्रोजन सिंथेसिस. एस्ट्राडियोल आर आल्सो नोन एज 17 एस्ट्राडियोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्ट्रोजन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा रोल इसका है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस इसकी है. प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रीटेड बाय द ओवरीज. तो एस्ट्रोजन जिसमें एस्ट्राडियोल है ये ओवरी प्रोड्यूस करेगा. इट इज द प्रिंसिपल एस्ट्रोजन इन द प्री मेनोपॉजल वुमेन्स. जो फर्टाइल वुमेन्स होती है उनके अंदर ये प्रिंसिपल एस्ट्रोजन है, मेन यही है एस्ट्राडियोल. एस्ट्रॉड इज अ मेटाबोलाइट ऑफ एस्ट्राडियोल. इसकी पोटेंसी थोड़ी सी कम है, 1/3 ऑफ द एस्ट्रोजेनिक पोटेंसी ऑफ एस्ट्राडियोल. एस्ट्राडियोल की ज्यादा है और इसकी कम है. बाकी एस्ट्रॉड एस्ट्राइल एस्ट्राडियोल नहीं है, एस्ट्रॉड है. एस्ट्रॉड इज सिग्निफिकेंटली लेस इंपॉर्टेंट देन एस्ट्राडियोल. आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो एस्ट्राडियोल है. इट इज प्रेजेंट इज सिग्निफिकेंट अबाउट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इसके लेवल्स ज्यादा हो जाते हैं एस्ट्रोजन लेवल्स. सिंथेटिकली जो प्रिपेयर किया जाता है वो एथिडाइल एस्ट्राडियोल है. अंडरगो लेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. लिवर के अंदर ये ज्यादा मेटाबोलाइज, इसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा नहीं होता, ये स्टेबल रहता है. नॉन स्टीरॉयडल कंपाउंड्स दैट बाइंड टू द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, या एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ जो नॉन स्टीरॉयडल ये कंपाउंड्स हैं ये बाइंड करेंगे एंड एग्जर्ट ईदर एस्ट्रोजेनिक और एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स. या तो ये एस्ट्रोजन को प्रमोट करेंगे या उनका एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होगा. ऑन टिश्यू टारगेट्स आर कॉल्ड द सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स. ये जो सिलेक्टिव एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स है ये नए हैं जो सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है और इनका एस्ट्रोजेनिक या एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है. इसमें एग्जाम्पल्स दी हुई है दो, एक टेमोक्सिफिन और दूसरा रिलॉक्सिफिन. अच्छा, अगर जैसे ब्रेस्ट कैंसर है उसके अंदर, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो कॉज करता है ब्रेस्ट कैंसर, तो एस्ट्रोजन जो है अगर सेल्स जो सेल्स हो गए ब्रेस्ट के अंदर अगर, तो उनके ऊपर रिसेप्टर पॉजिटिव हो गए तो एस्ट्रोजन जाकर उसके साथ हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और जो कैंसर की ग्रोथ है उसको प्रमोट करेगा. अगर हमें किसी कैंसर का अंडरलाइन कॉज पता है कि इस वजह से ये कैंसर है तो हमें थेरेपी देने में आसानी हो जाती है. तो ऐसे जिनका एस्ट्रोजन जो है पॉजिटिव रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो अपने पॉजिटिव रिसेप्टर के साथ, यानी उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, ग्रोथ कर रहा है कैंसर की, तो जब हम थेरेपी देंगे तो वो थेरेपी हमारी सक्सेसफुल होगी.
लेकिन अगर कोई ऐसा रिसेप्टर है जो नेगेटिव है, जो कि उस एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर में वो रिसेप्टर जो है कॉज नहीं है ग्रोथ करने का, तो फिर हमारे लिए थेरेपी देना मुश्किल होता है। तो इस तरह कुछ रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं, कुछ रिसेप्टर नेगेटिव होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन डिफ्यूज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और हाई एफिनिटी के साथ अपने रिसेप्टर के साथ न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ ये बाइंड करेगा। टू एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ये उनकी सब टाइप्स बताई हुई है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और एक ये रिसेप्टर बताए हुए, ये कोई रिसेप्टर की सब टाइप्स हैं। अच्छा, जो इसमें पॉजिटिव रिसेप्टर है मे बी कंसीडर एज द क्लासिक एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर, और ये एक और सिम्बॉलिकली प्रेजेंट किया, ये रिसेप्टर जो इस हाईली होमोलोगस है, इससे मिलता जुलता है, हाईली होमोलोगस है ये पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ है कि एस्ट्रोजन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, उसी तरह ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसलेशन होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। चेंज इन द सेल बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज प्रोलिफरेशन, सेल्स जो है वो प्रोलिफरेट कर जाएंगे। द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज ऑफ एस्ट्रोजन्स आर फॉर कॉन्ट्रासेप्शन एंड पोस्ट मेनोपॉजल थेरापूटिक के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यूजेस है एस्ट्रोजन्स के, तो दो बेसिक यूजेस के, एक तो कॉन्ट्रासेप्शन के बर्थ कंट्रोल को रोकते हैं, और दूसरा ये जो पोस्ट मेनोपॉजल, जब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है उनकी बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है, तो ये डेंसिटी को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए ये दिए जाते हैं ताकि हिप फ्रैक्चर ना हो जाए, कोई ज्वाइंट फ्रैक्चर ना हो जाए ऐसी औरतों में। एस्ट्रोजन ही, अच्छा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों मिलाकर देते हैं, कंबाइंड इफेक्ट होता है इनका। एस्ट्रोजन क्योंकि कार्सिनोजेनिक है, और प्रोजेस्टेरोन के भी ये कि ये कुछ साइड इफेक्ट्स है, तो इन दोनों को जब हम मिलाकर देते हैं तो ये कम अमाउंट में एस्ट्रोजन यूज होते हैं। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, दोनों कंबाइंड थेरेपी देंगे। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी इज लोएस्ट इफेक्टिव डोज फॉर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू रिलीव द वेजोमोटर सिम्टम्स एंड वेजाइनल एट्रोफी। जो वेजाइनल डायनस एट्रोफी हो रही है उसको रोकने के लिए, और वेजोमोटर सिम्टम्स जो फ्लैशेज हो जाते हैं, टेम्परेचर रेज कर जाता है, रेडनेस हो जाती है ऐसी औरतों को, उनके लिए फिर ये मिलाकर थेरेपी दी जाती है, क्योंकि अगर इसकी थोड़ी सी भी डोज देंगे तो वो इफेक्टिव होती है। Estrogens are so used extensively for replacement therapy in premenopausal patients, जो अपनी reproductive age है उनमें भी ये दे सकते हैं। Post menopausal hormone therapy के तौर पर estradiol देते हैं। Progestin is always included with the estrogen therapy because the combination reduces the risk of endometrial carcinoma, जो carcinoma जो estrogen cause कर रहा है वो reduce हो जाता है। Therapeutic uses of estrogens. अच्छा, ये ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं जो कि अक्सर दे दिए जाते हैं, जो कि बर्थ कंट्रोल को रोकते हैं। ये यहाँ पर एस्ट्राडायोल थोड़ा थोड़ा बॉडी के अंदर स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में एस्ट्राडायोल की, अगर पैच लगा दें तो वो पैच रिलीज करता रहता है एस्ट्राडायोल को बॉडी के अंदर, ब्लड में जाता रहता है। अच्छा, डिलीवरी ऑफ एस्ट्राडायोल बाय ट्रांसडर्मल पैच इज आल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स। ये पैच जो है ये लगा देते हैं ताकि जो है ये रिलीज करता रहे ब्लड के अंदर एस्ट्राडायोल। ऑस्टियोपोरोसिस पे बहुत इफेक्टिव है ये थेरेपी। प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म, अगर एस्ट्रोजन जो है, अगर आपके अंदर हार्मोन लेवल, सेक्स हार्मोन लेवल्स कम है किसी के अंदर, तो उसमें एस्ट्रोजन इन कम्बिनेशन विद प्रोजेस्टिन्स देते हैं। Is instituted to stimulate development of secondary, ताकि secondary sexual characters जो है females के अंदर develop हो सके। Estradiol naturally occurring estrogens है। Absorption इनकी किससे होती है? GIT के through होती है, skin के through होती है, और mucous membrane, ये three इनकी बताए हुए जहां से ये absorb होती है, और ये naturally occurring estrogens है। Taken orally, as अगर orally देंगे synthetically prepared, estradiol is rapidly metabolized by the microsomal enzymes of the liver.
अब पता है लीवर के उधर एक पूरा साइटोक्रोम P450 सिस्टम एंजाइम्स का, जो इसकी हर ड्रग की मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट करता है। इस वजह उनके जो इंट्रावीनसली दी जाती है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो, तो इस वजह से वहां पर इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। सिंथेटिकली जो एस्ट्रोजन एनालॉग्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं, दो बताए हुए यार, ये सिंथेटिकली देखिए, इथिडाइल एस्ट्राडायोल और दूसरा वेस्ट्राडोल। वेस्ट्राडोल इज क्विकली डीमेथाइलेटेड टू एथिडाइल एस्ट्राडायोल व्हिच इज मेटाबोलाइज्ड मोर स्लोली। ये इस पे डीमेथाइलेशन हो जाती है इसकी एथिडाइल एस्ट्राडायोल के अंदर, और ऐसा ऐसा ये मेटाबोलाइज होती है स्लोली। एस्ट्राडायोल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोजन टेकर ओरली स्लो। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, किसी को कोई याद है? मैम ड्रग जो डिग्रेड होती है उसकी कितनी क्वांटिटी हमारी ब्लड में जाती है वो उतनी उसकी बायोअवेलेबिलिटी है। अनचेंज्ड फॉर्म में जो फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग दैट रीचेस आवर ब्लड विदाउट एनी चेंज वो हमारी बायोअवेलेबिलिटी होती है। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोजन टेकर ओरली स्लो ड्यू टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म विद द लीवर, यार ये चेंज हो जाती है लीवर के अंदर। अभी किन किन फॉर्म में एस्ट्राडायोल सिंथेटिकली प्रिपेयर दे सकते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस दे देते हैं, टॉपिकली जेल दे देते हैं, एबल्जेंस दे देते हैं जिसमें दो लिक्विड्स मिक्स होते हैं और वो इमिसेबल होते हैं एक दूसरे के अंदर, वेजाइनली दे देते हैं या एस्ट्राडायोल या इंजेक्शन फीमेल्स को लगा देते हैं ताकि बर्थ कंट्रोल रहे। ये बर्थ कंट्रोल करने के लिए सारे प्रोसीजर्स किए जाते हैं। दे आर हाइड्रो ऑक्सिलेटेड इन द लीवर टू डेरिवेटिव्स दैट आर सब्सिक्वेंटली ग्लूकोरोडिडेटेड और सल्फेटेड। वो अगर आपने पढ़ा फेज वन और फेज टू जो है मेटाबोलाइट्स बनते हैं और उनकी एक्सक्रीशन होती है, फिर उसमें ये जो है ये ग्लूकोरोडिडेशन या सल्फेटेड सल्फेट के साथ वो कंबाइन करके वो जो मेटाबोलाइट बना रहे थे एक्सक्रीट आउट करने के लिए। एडवर्स इफेक्ट नोजिया, ब्रेस्ट टेंडरनेस या हैवीनेस, पोस्ट मेनोपॉजल यूट्रीन ब्लीडिंग हो सकती है, इसे ब्लीड कर सकते हैं, थ्रोम्बस बन सकता है, किसी भी ब्लड वेसल के अंदर कोई क्लॉट बन सकता है जिसे थ्रोम्बस कहते हैं, और अगर ये लंग्स की तरफ चला जाए तो किसी और ब्लड वेसल को जाकर ये प्लग कर जाए तो वो एम्बोलाय बना देता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन और ब्रेस्ट एंड एंडोमेट्रियल कैंसर या कार्सिनोमा, ये इसकी सबसे बड़ी जो है कहते हैं ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियल कैंसर जो है ये, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये अब सामने आ रहा है। सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स आर अ न्यू क्लास ऑफ एस्ट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड। इन सारे ये नाम लिखे हुए टेमोक्सिफीन, टोरिमिफीन, रेलोक्सिफीन, क्लोमिफीन, ये सारे वो है जो कि सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स है। कंपाउंड्स दैट इंटरैक्ट एट एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स दे डिस्प्ले सिलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्टिक इनकी एक्टिविटी होगी, ये जाकर बाइंड कर जाएगा एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ। सिलेक्टिव एस्ट्रोजन मॉड्यूलेटर्स इनमें सबसे पहला जो बताया हुआ है वो टेमोक्सिफीन है। टेमोक्सिफीन कम्पीट्स विद एस्ट्रोजन फॉर बाइंडिंग टू द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स इन अ ब्रेस्ट टिश्यू। पैलिएटिव ट्रीटमेंट ऑफ मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, तो ये क्या है, ये जब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर में कैंसर फैल जाता है, मेटास्टाइज कर जाता है, तो फिर उसमें ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट है, यानी ये कॉज तो रिमूव नहीं करता लेकिन सिम्टम्स को ही रिमूव कर देता है। एडजुवेंट थेरेपी फॉलोइंग मिस्टेक्टमी और रेडिएशन, जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो जाहिर है ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, मिस्टेक्टमी हो जाती है उसकी, उसको मिस्टेक्टमी कहते हैं सर्जरी को, तो एडजुवेंट थेरेपी के तौर पर एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पर दिया जाता है ताकि जो रेडिएशन दे रहे हैं या सर्जिकल जो प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो इनहेंस्ड हो जब एडजुवेंट साथ देंगे, तो टेमोक्सिफीन जो ये एज एन एडजुवेंट देते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को, जो हाईली रिस्क पेशेंट्स होते हैं जो जेनेटिकली या किसी और वजह से जिनमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, तो उनके अंदर ये दे देते हैं। बेसिक हमें कैसे पता चलता है कि इस बंदे को ब्रेस्ट कैंसर है, हमें उनका हार्मोन लेवल्स, ऐसे लोगों के हार्मोन लेवल्स थोड़े
नॉर्मल लेवल से मुख्तलिफ हो जाते हैं, या कि कोई जेनेटिकली हिस्ट्री होती है, फिर उनके हार्मोन लेवल्स वगैरह चेक किए जाते हैं तो वो पता चलता है। तो ये टेमोक्सिफी जो है, ये ऐसे जो हाई रिस्क पेशेंट जिनमें ब्रेस्ट कैंसर के ज्यादातर चांसेस होती है जिन फीमेल्स में, उनको दिए जाते हैं। यूजली जो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं उनके पीछे हिस्ट्री होती है, कोई बहन कोई भाई भी है उनका अगर ब्रेस्ट कैंसर है, तो एक ऐसी फैमिली भी हमने देखी जिसको ब्रेस्ट कैंसर, फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके भाई को जो था वो इंटेस्टाइन का कैंसर था। तो ये कैंसर जो है फैमिलीज के अंदर रन करते हैं। टेमोक्सिफेन जो है इसके एडवर्स इफेक्ट क्या, हॉट फ्लैशेस, डोजिया, वेस्टुरल इरेगुलरिटीज, वजाइनली ब्लीडिंग कर देगा, हाइपरप्लेजिया, मैलिग्नेंसीज। रिलॉक्सिफेन जो है ये क्या, सेकेंड जनरेशन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, बोन डेंसिटी को इम्प्रूव कर देता है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर डिक्रीज कर देता है, एंडोमेट्रियम पर इसका कोई इफेक्ट नहीं, और यूट्राइड कैंसर भी ये नहीं करता। अच्छा, ये हमारा एलडीएल लेवल जो होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जो कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल जो है वो आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो जाए तो आर्टरीज वगैरह में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, उनको ये जो है रिलॉक्सिफी जो है वो रिड्यूस कर देता है। एलडीएल जो है ये बैड कहले लाइपोप्रोटीन्स है, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो ये अच्छी लाइपोप्रोटीन्स है, क्योंकि ये जो है कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर लेती है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होने देती, बनने नहीं देती। तो रिलॉक्सिफिन का क्या फंक्शन है कि लोअर करती है कोलेस्ट्रॉल को एट लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स इन द सीरम, बट इट हैज नो इफेक्ट ऑन हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। लेकिन एक फायदा है कि एलडीएल लेवल्स जो होते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स उसको कम करती है। प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स, रिड्यूस ऑफ इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स। तो इसका थोड़ा सा रोल है कि ये कैंसर कैंसर की बचाती है कैंसर से। ये हमने एक बोन डेंसिटी का ग्राफ है कि बोन डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है अगर हम रिलॉक्सिफेन देते हैं, ये इम्प्रूव करती है बोन डेंसिटी को। ये देखें ये ग्राफ ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, इसलिए बोन डेंसिटी को इम्प्रूव कर देती है, इसलिए पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स को देते हैं। इसका कंपेरिजन किया है प्लेसिबो से। प्लेसिबो ऐसे ही होता है कि उसमें एक्टिव कंपोनेंट नहीं होता कोई भी, मेडिसिन तो प्रॉपर होती है। अगर हम वैक्सीन वगैरह का कोई टेस्ट करते हैं किसी वैक्सीन को, तो हम दो ग्रुप्स बना लेते हैं, एक ग्रुप को प्लेसिबो दे लेते हैं जिसमें कुछ कंपोनेंट नहीं होता, और एक ग्रुप होता है जिसमें एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। प्लेसिबो हम इसलिए देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स देखने के लिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम उसमें कुछ भी नहीं होता, खाली होती है वो, ड्रग नहीं होती वो। और दूसरा जो ड्रग हो वैक्सीन जो देंगे वो वैक्सीन का इफेक्ट बता रही है। रिलॉक्सिफी द ड्रग इज रेडिली अब्सॉर्ब ओरली, कन्वर्टेड टू द ग्लुकुरोनाइड कॉन्जुगेट्स थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। 95% ऑफ रिलॉक्सिन इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, एंटेरोहेपेटिक साइक्लिगेस की, और बाइल के थ्रू ये बिलरी ट्रैक है, थ्रू बाइल के थ्रू जो इसकी इसमें एक्सक्रीशन हो जाती है। इसमें वो साइड इफेक्ट्स इसके वही है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, हॉट फ्लैशेस, क्रैम्प्स, डीप वीनस थ्रम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, रेटिनल वेन थ्रम्बोसिस, शुड बी अवॉइडेड इन वुमेन हु आर प्रेग्नेंट। जो प्रेग्नेंट है उनमें रिलॉक्सिफिन नहीं देनी, और इसका जो है वो पोअर एडमिनिस्टर किया जाता है विद द कोलेस्टायर अमाइड, कैन रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ रिलॉक्सिफिन बाय 60%। उसके बाद टोरीबीफीड है। टोरीबीफीड जो है ये भी सेलेक्टिव रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। फिर प्रॉपर्टीज एंड साइड इफेक्ट्स इसके वही है जो टेमोक्सिफेन के। रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कैंसर विद टोरीबीफीड आर लैकिंग। द यूज ऑफ टोरीबीफीड इज रिस्ट्रिक्टेड टू पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन विद मेटास्टैटिक या ब्रेस्ट कैंसर जो है कर सकता है। क्लोबीफीड जो है बाय एक्टिंग एज अ पार्शियल एस्ट्रोजन एगोनिस्ट एंड इंटरफेयरिंग विद द नेगेटिव फीडबैक ऑफ एस्ट्रोजन्स ऑन द हाइपोथैलेमस,
ये हाइपोथैलेमस के ऊपर अफेक्ट करेगा. क्लो बी फीट इंक्रीज द सेक्रेशंस ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंड गोनाडोट्रोफिन लीडिंग टू स्टिमुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन. तो बेसिकली ओव्यूलेशन क्या थी कि जो फीमेल्स होती है उनके अंदर एग बनता है, वो एग रिलीज करवाते हैं ये क्लोमिफीन. तो ये जो है ये क्या हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करेगा, वहां पर गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाएगा, वो फिर पिट्यूटरी के ऊपर जाएगा, फिर पिट्यूटरी जो है उसे जो जितने भी जो उनके गोनाड्स वगैरह उनसे वो क्या करवाएगा रिक्वायर्ड हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा. और फिर वो क्या करेगा, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिडाइजिंग हार्मोन है, ये सारे जो ये रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से. और फिर ये क्या करेंगे जो अपने जिस ऑर्गन्स के ऊपर जाकर एक्ट करेंगे, और वहां से ल्यूटिडाइजिंग हार्मोन जैसे प्रोजिस्टेरोन वगैरह रिलीज करवाता है, और ये हेल्प करते हैं स्टिमुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन यानी एग को रिलीज करवाते हैं. अब एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट क्या होगा कि एंटी एस्ट्रोजन जो जा रहा है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और वहां पर फिर डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह नहीं हो रही, नो जीन एक्टिवेशन. ये जो नीचे डीएनए का स्ट्रैंड है डबल स्ट्रैंड, जीन एक्टिवेशन नहीं हो रही, ब्लॉक करती है. क्लोबीफीन इनफर्टाइल क्योंकि ये क्या कर रहा है ओव्यूलेशन करवाता है, इनफर्टाइलिटी में ये इनफर्टिलिटी में देते हैं. इट इज नॉट इफेक्टिव इन वुमेन अगर तो कोई हाइपोथैलेमस में हार्मोन रिलीज कब हो रहा है तब तो ये अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर कोई ओवरीज ही खराब है या पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई मसला है तो फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगी ये. एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, डोज रिलेटेड है, हेडेक हो सकता है, डोजिया हो सकता है, वेजोमोटर फ्लशिज हो सकते हैं, विजुअल डिस्टर्बेंसेज हो सकती है, ओवरीज एनलार्ज्ड हो सकती है. प्रोजेस्टीन जो है प्रोजेस्टेरोन, द नेचुरल प्रोजेस्टीन इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू ल्यूटिडाइजिंग हार्मोन. सो ल्यूटिडाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी के से जो रिलीज होता है वो क्या कर रहा है, द नेचुरल प्रोजेस्टीन प्रोड्यूस करवा रहा है. कॉर्पस ल्यूटम वो स्ट्रक्चर है जो फॉर्म होता है, और अगर प्रेगनेंसी हो तो वो बनता है उसके, अगर नहीं होती प्रेगनेंसी तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है. तो ये कहाँ से स्क्रीट होता है प्रोजेस्टीन, सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम. By male secreted by the testes, it is also synthesized by the adrenal cortex in both sexes. ये सारे sex hormones थे, हमने पढ़ा था कि adrenal gland के अंदर जो है तीन zones थे उसके. पहला zone वो था जहाँ से aldosterone आ रहा था, salty hormones आ रहे थे. दूसरा zone वहाँ था जहाँ sweet hormones थे जैसे cortisol, और ये inner zone था जहाँ पर sex hormones थे. तो ये सारे वो inner zone वाले sex hormones पढ़ रहे हैं. एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी ये रिलीज होता है, कॉर्टेक्स बाहर होता है बेडल्ला अंदर होता है. तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स की वो आपको अगर याद हो एक जोना रेटिकुलरिस लेयर थी जिससे ये रिलीज हो रहे थे. प्रोजेस्टीन इन फीमेल्स प्रोजेस्टेरोन प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एंडोमेट्रियम दैट कैन अकोमोडेट इम्प्लांटेशन. जब एग की रिलीज होगा वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज एग बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी कि स्पर्म होगा वहां पर, तो फिर ये जो होगा प्रोजेस्टेरोन लेवल ज्यादा हो जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी हो जाए. इन कॉन्सेप्शन टेक्स प्लेस, इफ कॉन्सेप्शन टेक्स प्लेस कि अगर प्रेगनेंसी हो गया तो प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूज टू बी सेक्रेटेड मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम इन अ फेवरेबल स्टेट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी. पर कॉर्पस ल्यूटियम भी वहां पर रहेगा और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स भी ज्यादा होंगे, और अगर ये नहीं होगा तो प्रोजेस्टीन लेवल्स या प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं. Reducing the uterine contractions. उस वक्त uterine contractions भी नहीं होती. अच्छा इसके effect है कि an increase in hepatic glycogen probably through an insulin mediated mechanism, sodium resorption decrease कर देता है, body temperature ये rise कर देगा progesterone, decrease in some plasma amino acids, and increase in excretion of urinary nitrogen. ये जो है बायो एसिड्स वगैरह डिक्रीज कर देगा बायो प्लाज्मा में बायो एसिड्स. इट्स रैपिड मेटाबॉलिज्म रिजल्टिंग इन लो बायो अवेलेबिलिटी, सिंथेटिक प्रोजेस्टीन
used in contraceptions are more stable to first pass metabolism. इसकी first pass metabolism जो synthetically prepare करते हैं उनकी कम होती है. सारी वो examples दी हुई हैं कि norethindrone acetate, norgestrel और उसके अलावा levonorgestrel, desogestrel और norgestimate. प्रोजेस्टेरोन जो होगा इसमें एग्जाम्पल दी हुई है मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट. इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, ओरल फॉर्म भी अवेलेबल है. क्लिनिकल यूजेस कंट्रोल ऑफ डिसफंक्शनल यूट्रीन ब्लीडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ डिसमेनोरिया, यानी जब ड्यूरिंग द पीरियड्स जो पेन होती है उसको कंट्रोल करता है डिसमेनोरिया, कहते हैं पेन को जो ड्यूरिंग पीरियड्स होती है फीमेल्स के अंदर. और मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रोसिस, एंडोमेट्रियम यूट्रस की लेयर है तो उसको वहां पर एंडोमेट्रोसिस को मैनेज करती है उसकी इन्फ्लेमेशन वगैरह को. प्रोजेस्टेरोन रैपिडली अब्सॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ है प्लाज्मा के अंदर. कंप्लीटली मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर, ग्लूकोरॉडिडेट मेटाबोलाइट इज एक्सक्रीटेड प्राइमरी बाय द किडनीज, इसकी जो है किडनीज के थ्रू यूरिन के थ्रू ये जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है. सिंथेटिक प्रोजेस्टीन आर लेस रेडिली मेटाबोलाइज, लेकिन सिंथेटिकली जो भी चीज़ें जरा ज्यादा स्टेबल होती है उसकी मेटाबोलिज्म कम होती है. ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं इसके. हेडेक, डिप्रेशन, चेंज इन लिबिडो और वेट गेन. चेंज इन लिबिडो यानी सेक्सुअल मूड जो है वो चेंज होता है. एंटी प्रोजेस्टीन, ये प्रोजेस्टीन और प्रोजेस्टेरोन था, अब एंटी प्रोजेस्टीन. मेफीप्रिस्टोन, प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट इफेक्ट होगा इसका या फिर ये पार्शियली एगोनिस्ट होगा. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग टू फीमेल्स अर्ली इन प्रेगनेंसी रिजल्ट्स इन डेथ ड्यू टू द इंटरफेरेंस विद प्रोजेस्टेरोन. एंटी प्रोजेस्टीन है तो प्रोजेस्टेरोन के साथ इंटरफेयर करेंगे प्रोजेस्टेरोन लेवल्स के साथ. प्रोजेस्टेरोन लेवल्स प्रेगनेंसी के लिए जरूरी थे, अब अगर प्रेगनेंसी में ये एंटी दे देंगे प्रोजेस्टीन तो ये अफेक्ट कर देगा और एबॉर्शन हो जाएगा, डेथ हो जाएगा. एडवर्स इफेक्ट यूट्रीन ब्लीडिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिसोप्रोस्टोल, ये मिसोप्रोस्टोल अगर आपको याद हो तो ये वो था प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग था जो कि उसमें दे रहे थे जब जीआईटी की ड्रग्स पड़ी थी, हार्मोन्स पड़े थे. तो प्रोस्टाग्लैंडीन जो है इसका क्या होता है इफेक्ट, ये स्टमक सेक्रीशंस को कम कर रहा था तो HCL वगैरह की प्रोडक्शन को स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट को कम करता है. लेकिन उसके साथ अगर आपको याद हो तो प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग का एक बहुत बड़ा जो किसी को याद है कि उसका साइड इफेक्ट क्या था, एबॉर्शन करता है ये. तो ये वही है कि अगर मिसोप्रोस्टोल ओरली देंगे और इंट्राविजाइनली आफ्टर अ सिंगल oral dose of mefipristone effectively terminate the gestation. जो abortion कर देगा ये. Contraceptive pills जो हैं, drugs are available that decreases fertility. ये हम different mechanisms के through जो है ये fertility को रोकता है, control करता है, birth control करता है. उसमें प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, एग का रिलीज ही नहीं करवाता ताकि स्पर्म के साथ वो फर्टिलाइज ही नहीं होगा. इम्पेयरिंग गैमिटोजेनेसिस, गैमिट फॉर्मेशंस, मेल और फीमेल गैमिट्स उनकी इम्पेयरमेंट कर देगा, गैमिट्स को मैच्योर नहीं होने देगा या जो इंटरफेयरिंग करेगा विद जेस्टेशन, वो जो पीरियड है उसमें इंटरफेयर करेगा. ट्रंटली इंटरफेयर्स ज्यादातर ऐसी हैं जो ओव्यूलेशन को अफेक्ट करती है, ओव्यूलेशन नहीं होने देती. अब क्लासेस इसमें कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, प्रोडक्ट्स कॉटेनिक अकबाइड, इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टीन दोनों होते हैं. मोनोफेजिक कम्बिनेशन पिल्स, ये मुख्तलिफ डोजेस में देते हैं. जैसे अगर आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, एक रेगुलरली यूज करने होते हैं, एक जो है वो कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है तब तक बॉडी के अंदर इफेक्टिव होते हैं, उसके बाद फिर वो ड्यूरेशन खत्म हो जाए तो फिर लेने पड़ते हैं. इसी तरह पैचेस जो हम लगा लेते हैं फीमेल्स को रिकमेंड कर देते हैं,
उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है. इसी तरह जो इंट्रायूटरिन डिवाइसेस होती है यूजुअली उनका 5 ईयर्स तक होता है. उसमें रेगुलर चेकअप होता है, कोई इन्फेक्शन हो वो दिखाना पड़ता है. और दूसरा जब 5 ईयर्स गुजर जाए तो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस जो है उनको रिप्लेस करवाना होता है, नई डिवाइस लेनी होती है या उसको रिमूव करवाना होता है. लेकिन हर चीज के अंदर चाहे आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लें या आप इंट्रायूटराइन डिवाइस यूज करें, कोई पैच यूज करें, जो प्रेगनेंसी का रेशो है ऑल्दो कम हो जाता है लेकिन खत्म नहीं होता, चांसेस फिर भी रहते हैं. प्रोडक्ट्स कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टीन मोनोफेजिक कॉम्बिनेशन पिल्स कंटेनिंग अ कॉन्स्टेंट डोज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टीन गिवन ओवर 21 डेज. ट्रांसडर्मल पैच होगा, ट्रांसडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पैच कंटेनिंग इथिनाइल एस्ट्राडियोल एंड द प्रोजेस्टीन नॉर एल्जिस्ट्रोमाइन. वन कॉन्ट्रासेप्टिव पैच इज अप्लाइड ईच वीक फॉर 3 वीक्स टू द एब्डोमेन. हर वीक 3 हफ्ते तक देते रहना है. अपर टॉर्सो और ब्यूटॉक, ठीक है, एब्डोमेन पर या नेक से नीचे वेस्ट से ऊपर अपर टॉर्सो या ब्यूटॉक पर. वीक 4 इज पैच फ्री एंड विड्रॉल ब्लीडिंग ऑकर्स. इंक्रीज एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन में इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडवर्स इवेंट सच एज थ्रोम्बो एम्बोलिज्म. इसमें इसका सबसे बड़ा जो है वो अगर एस्ट्रोजन ज्यादा दे रहे हैं तो उससे हो जाएगा. विजाइडल रिंग भी दे देते हैं. ये जो है ये विजाइडल रिंग के अंदर एथेनाइल एस्ट्राडायोल और एस्ट्रोजन इसके अंदर एथनोजेस्ट्रल है. प्रोजेस्टीन जो कुछ पिल्स तो कंबाइंड थे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टीन और कुछ खाली प्रोजेस्टीन. प्रोडक्ट्स कंटेनिंग है प्रोजेस्टीन ओनली यूजुअली नॉर एथिनड्रोन और नॉरजेस्ट्रल are taken daily on a continuous schedule. These preparations are less effective than the combination pills. Combined pills are more effective. They may produce irregular menstrual cycle more frequently than the combination. If combination will be in irregularities menstruation cycle will be less. But if you take only progestine, then it will be more. इम्प्लांट्स भी होते हैं. अब सब डर्मल इम्प्लांट कंटेनिंग एटोनोजेस्ट्रिल ऑफर्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन. 1-4 सेंटीमीटर कैप्सूल होता है जब अपर आर्म में रख दिया जाता है बाजू में एंड प्रोवाइड कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स तक वो इफेक्टिव रहता है. साइड इफेक्ट्स वही कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, हेडेक्स होंगे. ये सब क्यूटेनियसली एक कैप्सूल रख देते हैं जो कि फिर बाद में वो रिलीज करता रहता है और स्किन के अंदर से वो अब्सॉर्प्शन होती रहती है. कॉन्ट्रासेप्शन प्रोजेस्टीन इंट्रायूटराइन डिवाइसेस लेवोनॉर्जेस्ट्रिल रिलीजिंग इंट्रायूटरीन सिस्टम ऑफर्स अ हाईली इफेक्टिव मेथड ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन. दिस इंट्रायूटरीन डिवाइस ये 5 साल तक के लिए रख देते अंदर, उसके बाद ये चेंज करनी पड़ती है या ये निकालनी पड़ती है. जो कॉपर टी रखवा लेते हैं वो बहुत कॉमन उसका नाम होता है कॉपर टी. पोस्ट कॉर्टियल कॉन्ट्रासेप्शन पोस्ट कॉइटल और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी और बिटवीन 0.2-3%. प्रोजेस्टीन फॉर एग्जाम्पल ये सारे दिए हुए, ये अगर एमरजेंसी सिचुएशन में कि प्रेगनेंसी फॉरन हो जाए तो जो है ये रखते देते हैं. अच्छा एक डोज देंगे उसके 12 घंटे बाद दूसरी डोज दे देते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टीन एडमिनिस्टर ओवर एन अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स पीरियड इनहिबिट्स ओव्यूलेशन. आपको थोड़े थोड़े ना बस साइड इफेक्ट्स आने चाहिए. हार्बोस सेक्स हार्बोस का पता होना चाहिए, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं ये पता होना चाहिए, उनके साइड इफेक्ट्स और थेरापीटिक यूजेस क्या है बस. एडवर्स इफेक्ट्स ब्रेस्ट फुलनेस डिप्रेशन फ्लूड रिटेंशन कर रहा है हेडेक नोजिया वॉमिटिंग ये इसके इफेक्ट्स है. कार्डियोवास्कुलर कार्सिनोजेनिकसिटी मेटाबॉलिक एबनॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस होगी और वेट गेन हो जाता है सब के अंदर. हार्मोन्स लेवल्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, बायोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड दे रहे हैं,
तो इसमें वेट गेन के बहुत ज्यादा चांसेस है. द कॉम्बिनेशन पिल कॉजेज अ चेंज इन द सीरम लिपिड प्रोफाइल, जो आपकी लिपो प्रोटीन प्रोफाइल है वो भी चेंज हो जाएगी. ये हाइपोथैलेमस बताया हुआ है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर पिचूटरी बताया हुआ है, ये इससे हार्बूज जिस जिस ग्लैंड्स के ऊपर जिस जिस ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं उसे हार्बूज. इट्स लीड लाइक ग्रोथ फैक्टर भी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन कर रहा है. थायराइड जो है इसका भी रोल होता है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन एनर्जी के अंदर. कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है एड्रिनल ग्लैंड के अंदर से, एल्ड्रोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, एड्रोजन रिलीज हो रहा है. हम एड्रोजन्स पढ़ रहे हैं. अब आगे आगे इस पे ये एंड्रोजन्स आ गए, ये हमें अभी एस्ट्रोजन्स लेवल्स प्रोड्यूस देख रहे. अच्छा, हाइपोथैलेमस वही गोनाडोट्रोफी रिलीजिंग हार्बूज रिलीज करेगा, उससे पिचूटी में जाएगा ल्यूटिलाइजिंग हार्बूज और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्बूज. कहाँ से रिलीज होते हैं, एंटीरियर पिचूटरी के हार्बूज है पोस्टीरियर पिचूटरी के? इंटीरियर पिचूटरी के. एंटीरियर, शाबाश. ओवरीज एंड टेस्टिस के ऊपर जाएगी इंस्ट्रक्शन के, वहां से हारमोन्स रिलीज करे और फिर रिप्रोडक्शन होगी या जैसे ओव्यूलेशन वगैरह होती है, एग रिलीज होता है. The androgens are a group of steroids that have anabolic or masculinizing effect in both males and females. ये किस लिए यूज होते हैं, इनका मेजर फंक्शन क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्यूबर्टी वगैरह में ये होता है. टेस्टोस्टेरोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द लेडिक सेल्स इन द टेस्टिस, टेस्टिस के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. स्मॉलर अबाउट बाय सेल्स इन द ओवरीज ऑफ द फीमेल एंड बाय द एड्रिनल ग्लैंड इन बोथ सेक्सेस. एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं दोनों करते हैं. Testosterone like estrogen is also a steroid hormone is found in males and in very small amount females mein hote hai. Ye second sexually jo secondary sex characters hai, facial hair increase muscle mass usme use karte hai. Yahi wajah hai ki zyada tar ye hormones jo hai ye athletes aur ye jo bodybuilders hote hai wo use karna shuru kar dete hai muscle mass increase karne ke liye. अच्छा, ये सारे एग्जाम्पल्स सीवियर डाइहाइड्रो टेस्टेरोन, उसके अलावा एंड्रोस्टेरोन एंड्रोस्टेरोन डिहाइड्रोएपिनड्रो एंड्रोस्टेरोन इन अ स्मॉल अमाउंट्स. टेस्टेरोन एक्सक्रीशन बाय द सेल्स इज कंट्रोल्ड बाय द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. वही हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीज करवाएगा, पिचूटरी पर अफेक्ट होगा उसके इंटीरियर पिचूटरी ग्लैंड से टू स्क्रीट अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन और फिर वो एड्रोजन टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो गए. टेस्टोस्टेरोन और इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट्स इनहिबिट्स प्रोडक्शन ऑफ दी स्पेसिफिक ट्रोफिक हार्मोन्स थ्रू ए नेगेटिव फीडबैक लूप. अगर ये जरूरत नहीं है तो वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हाइपोथैलेमस पर अफेक्ट करेगा और ये हार्मोन कम हो जाएगा. Androgens are required for normal maturation. अच्छा, ये इसका आ सकता है इसकी uses sperm production. Androgens जो है ये hormone testosterone वगैरह sperm production में help करते हैं. Increase synthesis of muscle proteins and hemoglobin. Decrease bone resorption. Bone की resorption को ये decrease करता है. ये देखें ये use कर रहे हैं इसको illegally और unethically. Extremely harmful है ये. These steroids are man-made derivatives of testosterone synthetically जो हम बनाएंगे. Anabolic steroids include ये athletes use कर रहे हैं, body builders to stimulate the body to build muscles tissues and strengthen the bones and speed muscle recovery. ये सारे side effects हैं इसके. इसमें क्या है कि अगर ये अनएथिकली यूज कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ऑर्गन्स जो गए जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो उनकी श्रिंकेज हो जाएगी. जो स्पर्म काउंट नॉर्मल होता है जो फर्टिलिटी के लिए जरूरी होता है वो काउंट जो होता है मेल्स के अंदर कम हो जाएगा, इनफर्टिलिटी कॉज कर देंगे. कैंसर, जॉन्डस, लिवर ट्यूमर्स एंड हाई ब्लड प्रेशर आर द मोर सीरियस रिस्क. एग्रेशन, acne, irritability, paranoia. Paranoia क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? Paranoia होता है कि जब एक बंदा कहता है कि मुझे सारे नोटिस कर रहे हैं, तो डिप्रेशन में वो अक्सर ये कहते हैं कि जी नोटिस हो रहे हैं हम.
डेल्यूजन्स के अगर हो ही नहीं रही जो चीज उसको लग रही है कि ये चीज रियलिटी में नहीं हो रही लेकिन उसको लग रहा है कि हो रही है, तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स है। साइड इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं, थेरापेटिक यूजेस पूछे जा सकते हैं, अगर किसी का कोई मेटाबॉल बताया हुआ कि किस तरह जो इस इसकी प्रिपरेशन किस तरह, तो वो पूछी जा सकती है, उसका मोड ऑफ एक्शन, वही हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से वो ऑर्गन के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं। इफ प्रोस्टेट कैंसर इज प्रेजेंट एंड इंक्रीज ऑफ ग्रोथ इन कैंसरस ट्यूबर विल ऑकर, साइड इफेक्ट इसका। इट कैन आल्सो कॉज एन एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, एक्सेस ऑफ आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, स्लीप एपनिया वेयर ब्रीथिंग कम्प्लीटली स्टॉप्स ड्यूरिंग द स्लीपिंग, सोते हुए ब्रीथिंग को अफेक्ट करता है। अगर कब कब देनी चाहिए थेरापूटिक यूजेज, ये कि जब हमारे प्राइमरी हाइपोगोडाइडिज्म, जब गोडाइड हार्मोन लेवल नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, फिर सिंथेटिकली प्रिपेरेशन उनको दी जाती है। मैन विद प्राइमरी हाइपोगोडाइडिज्म और हार्मोनल डिक्लाइंस आर एलिजिबल फॉर ट्रीटमेंट विद टेस्टोस्टेरोन। डेंजरस साइड इफेक्ट्स आर स्टिल पॉसिबल, लेकिन उस वक्त भी इसकी क्वांटिटी को देख कर दिया जाता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। What is हार्मोन, ये सारे questions हैं जी। अच्छा ये सारे questions आगे हैं, इनको देख लीजिएगा, ये इनकी slides के अंदर इनके answers है, ये वही इनको summarize करके बताया हुआ है। What are the two major reproductive hormones, progesterone हो सकता है, रिप्रोडक्टिव में प्रोजेस्टेरोन और दूसरा टेस्टोस्टेरोन पेल्स के अंदर। व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन, इसकी एक स्लाइड दी हुई है, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को आप ढूंढ लीजिएगा स्लाइड्स के अंदर से। ये टेस्टोस्टेरोन लाइक एस्ट्रोजन इज आल्सो स्टेरॉइड हार्मोन फाउंड इन मेल्स एंड इज स्मॉलर क्वांटिटी इन फीमेल्स, ठीक है। और क्या थेरापूटिक यूजेस है इसके, और क्या इसका मसल मास को इंक्रीज करता है। फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजेंस क्या कोई बताएगा, एस्ट्रोजेंस जो है वो जब इनकी एस्ट्रोजेंस जो प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर थेरेपी में दिए जा रहे थे, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स को दिए जाते हैं, जिनकी जो बोन्स हैं फ्रैक्चर्स वगैरह हो सकती है उनको दिए जाते हैं, ठीक है जी। ठीक है मैम। अच्छा आप लोग का मैं रिजल्ट इंशाल्लाह कल उस पर एलएमएस पे लगा दूंगी। उसके अलावा एक मैंने कहा था कि मैं असाइनमेंट दूंगी, वो भी आज या कल में पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। 15 जून से पहले आप कोशिश करें, 15 जून तक ड्यू डेट है, आप वो सबमिट करवा दें, उसका 10% वेटेज होगा, ठीक है। यस मैम। एक और के मेरे, क्योंकि पिछली क्लास ही हुई तो इंसुलिन से रिलेटेड वो जरा मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था, ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग्स या इंसुलिन और डायबिटीज, उसकी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज बताई हुई थी उसके अंदर, वो मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा था, लेकिन मैं कोशिश तो करूँगी क्योंकि स्लॉट जिसमें आप लोग को वो पढ़ा दिया जाए, लेकिन अगर मैं उसकी प्रेजेंटेशन से दूँ ग्रुप प्रेजेंटेशन के, थोड़ा थोड़ा सा उसको प्रेजेंट कर दें जी मैम, ये भी बेस्ट रहेगा क्योंकि स्लॉट्स खाली नहीं होते और फिर बहुत दिन गुजर जाएगा और बहुत पीछे भी बहुत कोर्स रहता है, तो ऐसा करें मैं अगर कहते तो रिकॉर्डिंग्स भी भेज दूंगी, लेकिन मैं ग्रुप बना के उसके हर ग्रुप को थोड़ा थोड़ा पोर्शन दे दूंगी और हर ग्रुप ने वो प्रेजेंट करना होगा जब फेस टू फेस क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके आपके 5% हम रख देंगे ग्रुप प्रेजेंटेशन की, 5%। एक ग्रुप में कितने मेंबर्स होंगे, आप लोग जितने मेंबर्स उनको डिवाइड करके मैं 6 या 7 ग्रुप देखूंगी, लेकिन वो तो आप लोग, तो मेरे ख्याल कितनी स्ट्रेंथ है आपकी मैम, आप बेहतर जानती हैं। इस वक्त 52 है मैम। Yes, ma'am. ma'am, अगर ये 100 के करीब है हमारी क्लास की स्ट्रेंथ ये। इस वक्त 53 ज्वाइन किया हुआ मैम। अच्छा चलो ठीक है, वो फिर ना यही करेंगे कि कुछ जो है जैसे इंसुलिन वाला एक है ये जो टॉपिक, इसके बाद एंडोक्राइनोलॉजी में सिर्फ एक ही है, फिर एंडोक्राइनोलॉजी खत्म हो जाएगा, तो मैं अब उसकी क्लास नहीं लेना चाह रही है कि वो प्रेजेंटेशंस में कवर करेंगे, ठीक है।
वो मैं आपको स्लाइड जरूर भेज दूंगी जो होगा या रिकॉर्डिंग जब टाइम मिला तो भेज दूंगी, लेकिन क्योंकि वो मिड टर्म में आएगा इसलिए एक ग्रुप वो ले ले टॉपिक और वो पहले आकर अपना प्रेजेंट कर ले, उसकी परसेंटेज 5% हम रख लेंगे क्लास जो ग्रुप प्रेजेंटेशन होगी। अगर आप लोगों ने खुद अपने बनाने ग्रुप तो आप बना ले, वरना फिर मैं बना दूंगी। मैम आप बना दे। चलो ठीक है, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे कर लूंगी। जो फर्स्ट ग्रुप होगा ना वो फिर उसका टाइम में देख लूंगी, वो बिफोर कोशिश करे मिड टर्म से पहले जो है ना वो उसकी प्रेजेंटेशन दे दे, उसमें वो कवर हो जाएगा। ठीक है जी मैम। मैम मिड टर्म की क्या डेट से शुरू हो रही है या कुछ पता है मिड टर्म कब से है? मिड टर्म आपके मेरे ख्याल में 14 जून से या 16 जून से थे, 26 तक, तो वही कंफर्म डेट्स हैं, कोई आगे पीछे नहीं होगी। अच्छा एक ग्रुप जो है वो फिर पहले प्रेजेंट कर दे ताकि वो खत्म हो जाए। ठीक है, फेस टू फेस पे आपका बर्थडे से मेरे ख्याल में स्टार्ट हो रहा है, अल्लाह करे। इस तरह ज्यादा अच्छा लगता है फेस टू फेस? अच्छा लगता है फेस टू फेस मैम, सारा फेस टू फेस। फेस टू फेस मैम इस तरह तो हम लोगों को कभी दरमियान में नेट चला जाता है कभी कुछ, फेस टू फेस बंदा सामने बैठ के इंटरेक्शन हो तो फिर ज्यादा मजा आता है पढ़ने का। यस मैम। चलो ठीक है मैम, मंडे को स्टूडेंट्स तो चाहते ही नहीं फेस टू फेस शुरू हो जाए। मैम हम वो नहीं ना, मेरा बेटा नहीं चाहता कि फेस टू फेस शुरू हो, भाई इतना लंबा उन्होंने अब समर वेकेशन ही नहीं दी स्कूल से। लेकिन हाँ ये मसला रहता है, कभी अपलोड करो होमवर्क, कभी अपलोड करो चीजें, वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारा काम इकट्ठा पेंडिंग हो जाता है। सर थैंक यू सो मच, और कोई क्वेश्चन कोई क्योरी? ये सारे मैं आपको आज ही अपलोड कर दूंगी, अभी आप जाकर ना मैं आपको ये सेंड कर देती हूँ। ठीक है मैम, मंडे से हाइब्रिड सिस्टम स्टार्ट है ना, मतलब हमारी जैसे ईमेल आई है कि इवन वाले सेकंड डेज में और ऑड वाले फर्स्ट डेज में कैंपस में आएंगे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मुझे, समझ ये किसी को आई है तो जरा बता दे क्या बता रही है वो। मैम वो यही कह रहे हैं ना कि हम लोगों को ईमेल आ चुकी है कि ऑड वाले एक सेशन में आएंगे और इवन वाले एक सेशन में, तो इसी तरह होंगे ना मंडे से हम लोगों की ऑनलाइन क्लास जो ऑन कैंपस होंगी जो हमारी क्लासेस, एक दिन ऑड वाले एक दिन इवन वाले। टाइम टेबल है मेरे ख्याल में डिस्ट्रीब्यूट करके आधे लोग एक दिन आ जाएंगे आधे लोग अगले दिन आ जाएंगे। लेकिन मैम वैक्सीन नेसेसिटी है। क्या चीज? वैक्सीन लगवाई होगी तो फिर एंटर होने देंगे कैंपस में, नहीं तो ऑनलाइन ही देंगे। पता नहीं, वैक्सीन तो लगवा ले आप लोग, वैक्सीन सब अंडर 18 कोई है आप में से? सब अबव 18 ही है ना? यस मैम सारे अबव 18 है। लेकिन मैम हम वेटिंग में है, अभी मैसेज किया हुआ है, अभी हमें डेट वगैरह नहीं बताया और ना ही सेंटर का बताया कि कहां से लगवाएं। आपका वैसे मैंने मैसेज किया था आज, ठीक है, उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मैं वहां जाकर लगवा के आके और बहुत रश था, वो लोग आप उन्हें कह दे हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा, वॉक इन है, वॉक इन जाकर आप उसी वक्त लगवा सकते हैं। आप पहले जाए वहां पर एक काउंटर बना हुआ है, रश बहुत होता है, अंदर हॉल है बहुत बड़े बड़ा, उसमें रश बहुत होता है, वहां पर आप कह दे मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा, मैं काफी अरसे से वेट कर रही हूँ, तो वो आपको उसी वक्त जो है ना आपका नंबर नोट करेंगे और आपके खुद वो आपके मोबाइल से जो है आपका नंबर जो है जो भेज देंगे आपका NIC। मैम आप एक्सपो का बता रही हैं? एक्सपो का हाँ, तो फिर वहां पर जो NIC वो भेज दिया था मेरा दो दफा, उसने कहा भी मेरे सामने करे, मैंने दोबारा किया था मैसेज तो नहीं आया, तो अभी 4 बजे से फिर कहा कि ले बैक कर देता हूँ मैसेज, उसने किया और कंप्यूटर से उसने मुझे बताया कि आपका ये नंबर है कोड नंबर आप जरा देख लें यही आया, मुझे उसी वक्त मैसेज भी आ गया, हालांकि मैं घर से 2-3 दफा करके गई थी नहीं आ रहा था, वो इस तरह भी लगा रहे हैं। यस मैम मैंने भी लगवाई इसी तरह लगा दी बगैर कोड की, वहां जाकर उनसे क्या हमारा कोड का मसला बन रहा है, सिर्फ अपना NIC ले जाए तो आपको लग जाएगी। और दूसरा ये अब ना वो एक कार्ड दे रहे हैं, पहले कार्ड नहीं दे रहे थे, जब मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स ने लगवाई है उनको कार्ड नहीं दिया, अब कार्ड दे रहे हैं जिसमें आपकी बता रहे हैं कि कौन सी वाली वैक्सीन लगी है और कब आपका टाइम टेन्योर पूरा होगा और आपको आना होगा,
वो उसमें लिखा हुआ है, वो रिकॉर्ड में वो कार्ड जरूर रख लीजिएगा। वो अच्छा फायदा होता है कि आप किसी को दिखा सके कि मैंने लगवाई हुई है। यस मैम, यूनिवर्सिटी वाले तो रिकॉर्ड मांग रहे हैं। उन्होंने हमसे भी मांगा था, मैं तो इतने अरसे से लगवाई नहीं थी, हम लगवा लिए जाकर आज। तो थैंक यू सो मच। ओके जी जी मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।